19 दिसंबर को दिल्ली में किसान महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसान हितैषी मुद्दों को लेकर खरगोन जिले के 1500 किसान शामिल होने जा रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय किसान संघ के बैनर तले खरगोन में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान भारतीय किसान संघ जिला खरगोन के अध्यक्ष सदाशिव पाटीदार ने बताया कि जब किसान की फसल परवान पर होती है तब औने पौने दाम पर किसान को पैसा मिलता है। ऐसे में लागत के आधार पर फसल मूल्यांकन करने के नाम पर दिल्ली की सड़कों पर हम आंदोलन करेंगे। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। आज हमारी 19 दिसंबर को दिल्ली में महारैली होने वाली है और इस आंदोलन को लेकर हमारी यहाँ पर जिला बैठक हुई थी और जिले भर से हम 1500 किसानों को साथ में लेकर दिल्ली की ओर 19 दिसंबर को कुछ करने वाले हैं। मांगे क्या है? मांगे क्या है कि वर्तमान में देश में किसानों ने अपने परिश्रम में कोई कोताही नहीं करी थी। कड़े परिश्रम करके अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, प्राकृतिक आपदा और अन्य विपदाओं से, गर्मी और ठंड से बचाते हुए फसल अपनी जब पकने को तैयार होती है और जब वो अपनी मंडी में फसल लेकर जाता है तो वहाँ पर औने पौने दामों में उसकी मंडी में भाव मिलता है। ऐसे किसान अपने को लूटा महसूस करता है। इसी विषय को लेकर हम आगामी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य की सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली में आंदोलन करने वाले हैं। जिले से कितने किसान शामिल होने वाले? 1500 किसानों का भी लक्ष्य लिया है, लेकिन जैसे जैसे तारीख पास आ रही है किसानों में उत्साह है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में, यहाँ तक हमारा तो मानना है कि 5000 किसान जिले भर से जाने वाले हैं दिल्ली की ओर पर। ज्ञापन, हाँ, आज हमने, चूंकि वर्तमान में हमने अपने जनप्रतिनिधियों को, आज सांसद महोदय को भी लोकसभा में किसानों के लिए विशेष सत्र की मांग को लेकर ज्ञापन दिया है, ताकि हमारे जनप्रतिनिधि भी लोकसभा के अंदर अपनी बात रखे और किसानों के हितों की सुरक्षा कैसे हो ये सुनिश्चित करें। क्या नाम है आपका? सदाशिव पाटीदार, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।